बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। वैसे इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि इस वक्त आप अगर 1 लाख रुपए पाकिस्तान भेजना चाह रहे हैं तो कितने रियाल का बन रहा है। रियाल रेट आपको पता है पिछले 2 दिन से कम हो रहा है। एक भाई ने आज मुझे कमेंट किया कि 72 रुपये कुछ ही नहीं यार, ऐसा नहीं है यार, अल्लाह का नाम ले भाई, इतना कम नहीं हुआ है ना ही इतना नीचे आया है जितना तू बता रहा है। पर अलग डॉलर की अब तक बात करें तो वही 283 से 284 285 के अराउंड में ओपन मार्केट में 290 रुपए प्लस में है इस वक्त भी डॉलर। और वैसे एक गल पंजाबी तुहानू कहां, मैं अपने ना परदेसियां दे जोड़ां च सऊदी ही बैंदा जदों बैंदा। किवें सऊदी अरेबिया ने भाई अभी ऐलान किया है पाकिस्तान को $2 अरब देगा और $24 अरब मजीद इमदाद करेगा पाकिस्तान की। तो भाई इसीलिए डॉलर के ऊपर असर पड़ा है और रियाल के ऊपर भी असर पड़ा है और IMF भी पाकिस्तान के लिए रजामंद है। देखिए आने वाले 1 माह में 2 माह में 6 माह में कब देता है पैसा पाकिस्तान को, ये तो भैया आने वाले वक्त में पता चलेगा। अच्छा, बहरहाल अगर रियाल रेट के मुतल्लक बात करें तो आपको एक्सचेंज रेट मैं बता दूं जो कि 75 रुपए प्लस में इस वक्त भी है और ये कन्फर्म है। इंडिया 22+ एंड बांग्लादेशी टका 28+ में है। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले अगर बात करें हम तहरील राजी, राजी बैंक काफ़ी मशहूर है, हर बंदा इसी से ज़्यादातर कोशिश करता है पैसे भेज दूँ, क्योंकि एक भाई ने मुझे पैसे भेजे हुए हैं वहाँ से एक फ़ीस के मुतल्लक। तो यकीन कीजिए कि आज 2 दिन हो गए हैं तो उनके पैसे अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो बहरहाल अगर बात करें हम तहरीर राजी रेट के मुतल्लक तो इनका रेट आज का 74 रुपये 24 पैसे है जी और 10 17 25 रियाल इनकी फ़ीस होती है। और अगर बात करें 1 लाख रुपये पाकिस्तान भेजने के मुतल्लक तो इस वक्त 1 लाख रुपये अगर आप सऊदी अरेबिया से भेजना चाह रहे हैं तो आपको 1340 अराउंड में आपका 1 लाख रुपये पाकिस्तान में आ जाएगा। वो भी वक्त होता था जब 4000 का 1 लाख बनता था। ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ये 8 साल पीछे चले, 7-8 साल पीछे चले जाए तो बस। तो अगर STC पे के रेट के मुताबिक बात करें तो इनका रेट आज का 74 रुपये 27 पैसे 17 एंड 25 रियाल इनकी फ़ीस होती है। फौरी बैंक यानी कि बैंक जजीरा की बात करें तो इनका रेट आज का 74 रुपये 55 पैसे 10 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। वेस्टर्न यूनियन की अगर बात करें तो इनका रेट आज का 74 रुपये 54 पैसे और 23 रियाल इनकी भी फीस है जी। मनीग्राम की बात करें तो आपको 74 रुपये 21 पैसे रेट मिल जाएगा और 23 रियाल इनकी भी फीस है जी। एंड अगर टैली मनी यानी कि ANB बैंक जिन्हों पर ANB बैंक कहने हैं, उसके रेट की बात करें तो उसका रेट आज का 74 रुपये 65 पैसे हाई रेट है इनका, 15 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस है। इंजाज बैंक की बात करें तो इंजाज बैंक आज का रेट दे रहा है 74 रुपये 27 पैसे 10 17 25 रियाल फीस के साथ। और अगर क्विक पे की बात करें तो क्विक पे रेट दे रहा है 74 रुपये 47 पैसे और इनकी भी 10 17 एंड 25 रियाल फीस होती है। पाकिस्तान में अगर आप सऊदी से रियाल लाकर इस वक्त पाकिस्तान में चेंज करवाना चाह रहे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में 75 रुपये 30 पैसे से लेकर 75 रुपये 60-70 पैसे तक पाकिस्तान में भी इस वक्त भी आपको रेट मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर रियाल डाउन हुआ ना, वीडियो क्लास में ये बात भी करता चलूँ, तो 2-3 रुपये होगा ये तो रुक जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो 2-3 रुपये मजीद हो जाएगा और फिर ईद के करीब बढ़ेगा और बाद में देखें क्या बनता है। बहरहाल कुछ आपको पता है बातें, फिर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर बंदा खुलेआम भी नहीं करता है।